अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल करते हैं आप? खरीफ उम्र बन दो है कि आपके साथ खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली है। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया प्लान टू कैप्चर पाकिस्तान। ओए हाय हाय, तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं दिस वन वीडियो स्टार? क्या इंडिया के लिए ये जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, ये इंडिया को बेनिफिट करेगा इन द नेक्स्ट 5-10 इयर्स या थोड़ा कोल्ड ही रहने वाला है? आपकी इस पे क्या एनालिसिस? देखिए, मेरे हिसाब से इंडिया इससे चुपचाप निकल रहा है। देखिए, इंडिया ने स्पेशली यूएसए कहा था कि आप रशिया को मत छेड़ो। हाँ। लेकिन जो बाइडेन माने नहीं, उन्होंने कहा जी रशिया को छेड़ूंगा, रशिया को मैं घुटने पे ला दूंगा तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। हाँ। अब वो फंस गए और रशिया की इकोनॉमी नंबर वन पे चल रही है। राइट। और इंडिया हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं जब रशिया के अंदर, तो रशिया के प्रेसिडेंट भी उनसे मिले, जबकि कोई फॉरेन मिनिस्टर जाता है तो उनके प्रेसिडेंट मिलते नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो मिले इनकी इज्जत की वजह से। और जब ईरान गए जयशंकर, तो वहां के प्रेसिडेंट भी इनसे मिले। तो हमारी जो पोजीशन है पीएम मोदी की वजह से। और जब यह सारा कुछ चल रहा था, तो उस टाइम पे 9 जनवरी को यूएई के क्राउन प्रिंस इंडिया विजिट किए। और इससे लगता है कि पीएम मोदी की पोजीशन क्या है और इंडिया की क्या पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक क्या था कि एक ट्रेड रूट चल रहा है। हाँ। जैसे रशिया से सामान आने में 45 दिन लगते हैं। हाँ। अब इंडिया ने नया रूट देखा, बल्कि ईरान, रशिया और इंडिया ने मिलकर के एक नया रूट ढूंढा। कैस्पियन सी से सारा सामान आएगा आर्मेनिया के अंदर, जो एक क्रिश्चियन कंट्री और रशियन रिपब्लिक है, वहां से आएगा ईरान में, और ईरान के चाबार पोर्ट से वो सामान इंडिया के अंदर पहुंचेगा। जो सामान को 45 दिन लगते थे वो 20 दिन में आ जाएगा इंडिया के अंदर। तो हमारे रशिया से ट्रेड बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। और इसी तरीके से एक नया रूट इंडिया ने बीच में निकाला है बहुत से कंट्रीज के साथ मिलकर। इंडिया से जो सामान जाएगा वो जाएगा यूएई में, यूएई के पोर्ट पे जाएगा, और यूएई के पोर्ट से वो जो सारा सामान है वो बाय रेल जाएगा सऊदी को क्रॉस करके आपके इसराइल में, इसराइल के हैफा पोर्ट में, और वहां से वो जाएगा ग्रीस के पोर्ट पे। Okay. और वहां जाएगा यूरोप में। तो एक ये छोटा रूट निकला है। हाँ। सामान भेजने का, जिससे खर्चा भी कम आएगा, टाइम भी कम लगेगा, तो इस पे भी काम किया जा रहा है। और यूएस भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। जो रूट निकला है, एक तो इंडिया को सपोर्ट करेगा, यूएई को सपोर्ट करेगा, सऊदी को करेगा, इसराइल को करेगा, साथ में रशिया को थप्पड़ मारेगा और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान तो आता ही नहीं, पाकिस्तान का विजन नहीं। नहीं, वो बीच में कुछ ब्लॉक कर रहे थे वो हमारे, वो बेसिकली ऐसा था कि एक्चुअली क्या था कि पाकिस्तान के अंदर जो इनका ग्वादर पोर्ट है उसको चाइना ने डेवलप किया, वो ट्रेड करना चाहते थे, वो तो हो नहीं पाया, नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे बलूची खड़े हो गए। राइट। और दूसरी तरफ इंडिया ने ढूंढा उसका अल्टरनेटिव चाबार पोर्ट, जो ईरान का है, लेकिन वो पोर्ट तो इंडिया ने बना दिया। हाँ। लेकिन सैंक्शंस की वजह से वहां पे 500 किलोमीटर की रेल लाइन बननी थी, वो बन नहीं पाई। राइट। अब जो जयशंकर गए वो इसी बात पे गए। हाँ। कि अब रेलवे लाइन हम बनाएंगे। हाँ। और साथ में हमने जो वहां पे रोड है, हाँ, यानी कि जो ईरान के बॉर्डर से अफगानिस्तान के जो अंदर रोड बना हुआ है, हाँ, वहां से तुर्कमेनिस्तान तक वो रोड पहले बना हुआ है। हाँ। जब तालिबान से पहले की गवर्नमेंट थी। हाँ। और अब वो रोड को दोबारा जो रूट है, क्योंकि हम रशियन रिपब्लिक से बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास ऑयल है, उनके पास गैस है, उनके पास वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यूरेनियम भी है, और वो लैंडलॉक्ड है जिनको चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो हमने ये जो नया रूट खोला वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए खोला है। पाकिस्तान का सीपीईसी तो फेल हो गया। हाँ। यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा। तो ये रूट जो चाइना यूएस के सैंक्शन की वजह से बना था, ये डिसरप्टेड था। हाँ। लेकिन अब तालिबान भी इंटरेस्टेड है कि नया रूट खोलने के लिए। और अगर यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान और ईरान का वार हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि इंडिया पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान लेने की कंडीशन में आ जाएगा। हाँ। और अगर हमारे पास पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान आ जाएगा, तो हमारे पास एक तो 90,000 किलोमीटर का एरिया हमारे कंट्री में आ जाएगा, जो हमें बिलोंग करता है। राइट। और दूसरा क्या है कि हमारा डायरेक्ट लिंक बन जाएगा अफगानिस्तान के साथ। ओके। और उससे हम बिजनेस कर पाएंगे रशियन रिपब्लिक से। राइट। क्योंकि तालिबान से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और उससे क्या है, तो पाकिस्तान और चाइना का कनेक्शन टूट जाएगा। हाँ। अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान पे कंट्रोल कर लेंगे। राइट, राइट, राइट। तो हमारे एक क्या था कि तुर्कमेनिस्तान से एक गैस की पाइपलाइन आनी थी। हाँ। तापी। हाँ। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और पाकिस्तान उसके अंदर टांग अड़ा रहा था। हाँ। तो अगर हमारे पास गिलगित बाल्टिस्तान आ जाएगा, तो हम एक नई पाइपलाइन स्टार्ट कर देंगे। PAI। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। तो इस ये विजन की बात है। राइट, राइट। और वो विजन पीएम मोदी के पास है। चले जी, वीडियो खत्म हो गई। पैसा विजन तो बहुत बड़ा है, अगर ये पूरा हो जाए तो फिर इंडिया को फायदा है, लेकिन ये पूरा नहीं होने वाला। लेकिन ये है कि ख्वाब देखने में या सोचने में भी पाबंदी नहीं है। सही बात। चलो काम सही, लेकिन भाई जो उनके स्टेप है, अब हाथों पे हाथ धरने से तो भाई नहीं है कि वो कहता बंदा हाथ पैर मारे तो सही।
होगी लेकिन होगी कभी नहीं। चाइना पाकिस्तान की होगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मुमकिन है भी होगा, क्योंकि भाई बॉर्डर का मसला है। तारीख कभी भी याद नहीं हो, नहीं नहीं हो जाना, लेकिन हो गुजरा जो होना था अब नहीं होगा। वो मर्दी है भाई साहब, जो जगह का होता ना मसला, बिल्कुल है। कभी भी जंग छिड़ सकती, बिल्कुल। और वो बॉर्डर को भाई साहब दूसरे जो अफगानिस्तान वाले नहीं मानते, और उस पे कभी भी जंग, नवाज शरीफ की हुकूमत में शहबाज शरीफ जो होते हुए नहीं हो रही जंग, तो जब खान साहब आएंगे फिर तो जाएगा, होने ही नहीं देंगे। खान साहब खुद ब खुद गलत बनते, ये होने ही नहीं देंगे, सारा उधर ना दे रहे इसका, ये भी कोई वो तो देखेंगे। तू मुझे ये बता, चाइना लड़ेगा पाकिस्तान से? चाहते चाइना के लिए लड़ना है, बात नहीं सब कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान की भी जान लिया। चाइना की तो मेन बात ही चाइना की है, मेरी बात ही वो है। चाइना गिलगित बल्तिस्तान जाने देगा जहां से सीपैक? हां ये बात में जिससे फायदा सर को, सर की जो विजन था ना कि चाइना पाकिस्तान ईरान की जंग होगी, अगर आपस में भिड़ेंगे उस वक्त हमारे पास मौका है। चाइना कहां होगा? चाइना झुक कर बैठे, चलो जिधर भी हो रहा होगा, पाकिस्तानी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना से मोटी रकम लगाई है, वो नहीं कर रहा है, इंजीनियर मोटी रकम वो हमने पे करनी है, बिल्कुल कर जी सर, लेकिन हमने कर्ज लिया। ज्यादातर फायदा उससे किसने उठाना था? पाकिस्तान ने उठाना था, और चाइना को भी फायदा लेना था। चाइना ने उठाना था, जब वो उस पोर्ट पर पहुंचते ना तब चाइना ने उठाना था, हमने फ्री में गुजरने देना था, पैसे तो हमने लेने थे, लेकिन उसके गुजरने से हमें फायदा मिलना था। उसके है अच्छा, मतलब एक और भी चीज है, रोड हमारे पास बन गया, हम उससे फायदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? ये तो निकले कभी नहीं, इसको क्या पता। अब इंडिया जो ये तो सुनने में आ रहा है, मेरे दिमाग में और उलझन आ गई है, लेकर जाते हैं, उलझन आ गई है भाई साहब। ये आजाद कश्मीर तो इंडिया ले नहीं रहा, गिलगित बल्तिस्तान कैसे ले? वो इकट्ठे ही है, इकट्ठा लेके। हां इकट्ठे ले, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, ले रहे हैं। बाकी भाई जो मौजूदा टाइम है ना, इसमें सिर्फ और ये चाबहार जो पोर्ट है इधर से और रशिया से जो रोड बनेगा ना, ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर जो है, इससे मौजूदा टाइम पे इंडिया फायदा उठा सकता है। बाकी जो है ना, ये सपना कि भाई गिलगित बल्तिस्तान कब्जा लेंगे, कश्मीर कब्जा लेंगे, इधर से पाइप आ जाएगा, ये सपना भाई बड़ा लंबा चौड़ा है। और बाकी ये दूसरा जो आईमैक वाला है वो भी बड़ा अभी लंबा चौड़ा है, वो भी वो ठंडे बक्से चला जाए प्रोजेक्ट, वो अभी इतनी जल्दी वो बनने वाला नहीं है। ये रास्ता जो सर कह रहे हैं ना, ट्रेन गुजारेंगे ऐसे ऐसे करके, ये कभी भी नहीं गुजरेगी। इधर से सऊदी अरब तक वो पहले से ही उनके जहाज तो जा ही रहे हैं, सऊदी अरब तक जाने की कौन सी समंदर में बिछना है? मैंने यूएई से भाई साहब सऊदी अरब, वो तो आगे जाना है ना, सऊदी के लिए सऊदी अरब तक भी पहुंच जाएगा, वो थोड़ा है मिशन जो आगे का है यार, तो ऐसा ऐसा सारा तो बन जाएगा सऊदी अरब तक, नहीं बनेगा इंडिया का उनके साथ, लेकिन लेकिन और ज्यादा तेज हो जाएगा। मकसद तो यूरोप को अटैच कर रहा है, लेकिन इजराइल को बीच में लाने का, जिनको फायदे नहीं है वो बोल रहे नहीं बनेगा, और जिन कंट्रियों को फायदा वो बोला चाहेंगे भी ये ना बने कॉरिडोर। मैं तुझे कह रहा हूं हमारे हमें उसके अंदर फायदे भी, आप जो मर्जी बोलते रहे, हालात बदलने वाले हैं, जज्बात बदलने वाले, ये नहीं होगा। ये सीपैक बनना शुरू हुआ किसको फायदा था? पाकिस्तान को और चाइना को। कब से शुरू है? किसी ताकत आ चुकी है, किसी ने कोशिश की ना, हालांकि किसी ने कोशिश की ना, ये पीएलए वाले जो हैं, ये को पल्ले से गोलियां बंदूक के नहीं चला जाते, वही तो है, इनको अमेरिका भी सपोर्ट करता है, इंडिया भी करता है, लेकिन भाई साहब ये दोनों ही नहीं चाहते उस कॉरिडोर को रोकने के
लिए कौन सामने आएगा? कौन सा? इसको आई मैक को वो बनेगा, चाइना आएगा, रशिया आएगा, ईरान आएगा, जिनके जंगे करवा रहे हैं, जिनके जंगे करवा रहे हैं, की धरती है फ्री पैक में। अगर आप उधर करवा सकते हो तो बड़ा पकड़े, ये बढ़िया पकड़े भैया। अगर करवा सकता है, अगर अटैक उधर करवा सकता है, इंडिया हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं खुन्नस निकालेगा। अच्छा रस्ते में जो भी कंट्री वाले वो बिकने वाले लोग नहीं है, क्यों रुका पड़ा है? ये बम फोड़ने वाले नहीं है, ये बम फोड़ने वाले कौन है? वो लुटेरे जो है, हमको पता ही नहीं चला आज तक यार। चलो जी ठीक है भाई, चल जाएगा तुम्हें। बाकी आईएमएफ भी लंबे वो कहते हैं, फिर तो बन गया जो बाइडेन ने कहा अगले 6 माह में शुरू करूंगा, अब बन जाएगा जो बाइडेन ने कहा था। पीएम मोदी ने नहीं कहा था, जो बाइडेन ने कहा था। एक लास्ट डेट दे दे, कब ये स्टार्ट होगा, कब बन के मुकम्मल होगा बता। नहीं उस पे काम होगा, मैंने पहले जो बात की है, लेकिन फ्यूचर में जब बनाएंगे जब तक ये सऊदी अरब में बनाएंगे, फिर बाद में हो सकता है काम, लेकिन ये ठंडे बक्से चला गया। तो बाकी भाई गिलगित बल्तिस्तान वाला सपना जो है वो देखना बंद कर दे, सपना देख आप और सपना देखे बदल अपने नहीं नहीं बदल वो सपना देख सकते ले नहीं सकते, सपना देख सकते सपना ये यो। बाकी भाई हाँ चाबार वाला पोर्ट जो है वो आप चलाए उधर से फायदा ले, लेकिन इसमें भाई साहब अगर पाकिस्तान में अगर ये कश्मीर वाला मुद्दा ना होता ना, अगर दिमाग से खेलता तो इंडिया को रास्ता देता इधर पाकिस्तान से, बैठ के भाई साहब मोटे पैसे छापता वो, लेकिन इधर इनको भी रास्ता देता, चाइना को भी देता फ्री पैक का, माल छापता बैठ के कमाई करने देता। ये मिशन वाले वो सिर्फ जाल गुजरने देते, उधर से अरबों रुपए कमाते हैं, कमाते हैं कमाते हैं। तो ठीक है भाई, फिर रुकते हैं, कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, इजाजत दें।